हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि साइट इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। साइट से रिलेटेड हैं ये सारे पॉइंट, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है फील्डवर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन को दबाना है, इससे क्या हो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हमारे अपकमिंग 500 to 600 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, मैं नहीं चाहता आप एक भी मिस करें। देखिएगा दोस्तों, अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो सबसे पहला पॉइंट, लेपिंग इज नॉट अलाउड फॉर दी बार हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। क्या मतलब है इसका? ओवरलेप आपने सुना होगा दोस्तों, कॉलम में आप ओवरलेप करते हैं रेनफोर्समेंट को, इसी प्रकार करते हैं ना दोस्तों, ये आपका ओवरलेप पोर्शन होता है। तो कैसे करोगे दोस्तों आप? अब वो ये कह रहा है 36 mm से ऊपर की बार को आप ओवरलेप नहीं करते हैं, वो वेल्डिंग होती है उसकी, ठीक है। 36 से अगर नीचे वाले बार हैं जैसे 25 mm, 28 mm, 20 mm, 16 mm, केवल इन्हीं को आप ओवरलेप करते हो। 36 mm से ऊपर की बार अलाउड नहीं है ओवरलेप करना, ये केवल वेल्डिंग ही करते हैं हम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, चेयर स्पेसिंग क्या होती है दोस्तों? हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग रहती है हमारी 1 meter और 1 nos पर स्क्वायर मीटर, यानी कह सकते हैं आप एक स्क्वायर मीटर में आप एक चेयर ही प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है इस प्रकार का, तो आपकी चेयर टू चेयर डिस्टेंस होना चाहिए 1 meter की, यानी 10 square meter का आपका स्लैब है तो आप उसमें 10 chair यूज कर सकते हैं, इस प्रकार की आपकी चेयर रहती है दोस्तों, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चेयर मिनिमम ऑफ 10 mm to 12 mm डायमीटर वायर टू बी यूज। वो कह रहा है कि चेयर में आपको 10 mm to 12 mm डायमीटर बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप 8 mm बार यूज करो और वो चेयर बेंड हो जाए, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फोर्थ, फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट इज अलाउड मैक्सिमम 1.5 meter। ये आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कोड, जब भी हम 1.5 meter यानी 5 feet से ज्यादा ऊंचे से कॉन्क्रीट को फेंकते हैं या तो उसमें सीग्रेशन डेवलप हो जाता है, हनीकॉम डेवलप हो जाता है, तो इस प्रकार उनने कहा है कि 1.5 मीटर से ऊपर आपको कॉन्क्रीट नहीं फेंकना है, अलाउड नहीं करता है इसको, ठीक है। फ्री फॉल, तो आप समझ चुके हैं फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट इज अलाउड मैक्सिमम 1.5 meter। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एग्जीबिशन करते हैं कॉलम फुटिंग के लिए, तो जो भी लेबर रहती है वो केवल खड़े होकर ही मसाला फेंकती है, तो वो हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसके कारण आपका सिग्रेशन डेवलप हो जाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, मेन बार ऑफ स्लैब नॉट वी लेस देन 8 mm। वो कह रहा है कि स्लैब में आप 8 mm से नीचे बार यूज नहीं कर सकते हैं मेन बार, ठीक है। ये आपकी स्लैब है, ये शॉर्ट स्पान है, ये आपका लॉन्ग स्पान है, तो ये मेन बार है आपकी, वो आप 8 mm से नीचे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 6 वाला, मिनिमम बार ऑफ स्क्वायर कॉलम इज 4 nos, सर्कुलर कॉलम इज 6 nos। वो कह रहा है कम से कम एटलीस्ट आप स्क्वायर कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको 4 बार देना ही होंगी, और सर्कुलर कॉलम है आपका तो उसमें एटलीस्ट 6 बार, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं सर्कुलर कॉलम में और ना ही स्क्वायर कॉलम में, ठीक है। क्वेश्चन वो 7 point है आपका, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ब्रिक 15%। वो कह रहा है आपका ब्रिक कितना परसेंट एब्जॉर्ब करती है वाटर, तो आपको मालूम है 15% से एब्जॉर्ब करती है आपका ब्रिक, इससे ज्यादा ब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो मतलब आपका बेकार है, उसमें वाइट पैचेस आएंगे, फ्लोरेंस आएगा, ये सारी चीजों से प्रॉब्लम होती है दोस्तों बाद में। ये आपकी बकेट है, ये ब्रिक पड़ी है, इसको आप 24 आवर में आप डालकर निकाल सकते हैं उसके बेड से परसेंटेज, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकालते हैं कॉलम में। ये आपकी स्लैब है, इसके ऊपर का आपका कॉलम है, ये आपका क्लियर स्पान है, ये आपकी कॉलम है, ये आपकी स्पेसिंग है रिंग टू रिंग, तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम निकालते हैं क्लियर स्पान, डिवाइड करें आप स्पेसिंग, इसमें क्या स्पेसिंग है, सपोज करिए कि क्लियर स्पान है आपका 3000 mm का और स्पेसिंग है आपकी 300 mm की, तो आपका आएगा निकलकर 10, यहां से 3000 में आप 300 का डिवाइड देंगे तो 10+1 कर दिए, नंबर ऑफ स्टीरअप्स आपकी 11 आ गए, इस प्रकार हम नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालते हैं। 9 point है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी नॉट लेस देन 30 मिनट। तो वो ये कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का वो 30 मिनट होता है कम से कम, ठीक है। 10 point है आपका, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब क्या होना चाहिए। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब दोस्तों आपकी 125 mm होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोड। ये आपकी स्लैब है, ये आपका क्रैंक पोर्शन है, ये आपकी कवर है, ठीक है। 11 point है आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग शुड नॉट रन इन कॉलम। वो उसका कहने का मतलब है कि आप कॉलम के अंदर लाइट फिटिंग नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम की स्ट्रेंथ पे इससे इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12, 1 cubic meter में कितने सीमेंट बैग आते हैं दोस्तों, कैसे निकालोगे आप? ये आप निकाल सकते हो सीमेंट की डेंसिटी में,
आपको मालूम है क्या होती है, 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर, और सीमेंट का वेट आपको मालूम है 50 केजी। तो 1440 में आप 50 का डिवाइड देंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल कर आएगी, एक क्यूबिक मीटर में आपके 28.8 बैग आते हैं सीमेंट के। नेक्स्ट है आपका सिल्ट में कितना सेंड कितना परसेंटेज अलाउ करता है, द परमिजिबल सिल्ट कंटेंट इन सेंड परसेंटेज ओनली 6%, 6% तक आपका सिल्ट अलाउ करता है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रेक इन 1 क्यूबिक मीटर में, ये मैंने आपको बता चुका है कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रेक आती हैं दोस्तों हमारी, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो डाला हुआ है आपके लिए, देख सकते हैं वहां जाके। अब वो पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक क्या होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक दोस्तों आपको मालूम है 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो। ऐसी ही नॉलेज के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें फील्ड वर्क एक्सपर्ट, सब्सक्राइब अगर आपने दबा दिया है तो इसी के साथ दबाएं घंटा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।